हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निशांत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जो टीम सीएलसी ने डीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021 चला रखी है, इस सीरीज में हम ऑलरेडी 36 पेपर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम 37th पेपर, जिसका सिलेबस हमने रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पेपर यहाँ पर नीट पैटर्न पे रखा गया था। तो उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ, विच कंजर्वेशन, कि लेंज लॉ जो है वो किस चीज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो हमें पता है कि लेंज लॉ क्या बोलता है, कि जब भी किसी क्लोज कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट आता है, और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उसी कॉज का अपोज करता है जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड लॉ है हमारे पास ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 4th, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या बोला है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेवर लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम इन सेकंड एज फाई इक्वल टू 50t² + 4 द करंट इन द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। देखो भाई, लेंज लॉ पे क्वेश्चन है कि कॉइल से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और फंक्शन दे रखा है फ्लक्स का, और पूछा है कि भाई 2 सेकंड पर हमें करंट बताना। तो सबसे पहले तो हम कॉइल में जनरेटेड ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं d∅dt द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंशिएशन करो तो 100t + 4। क्लियर। अब 2 सेकंड पे निकालना, तो 2 सेकंड पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 2 सेकंड पे हो जाए, हाँ ये 0 हो गया, सॉरी। क्लियर। 2 सेकंड पर अगर हम देखें तो ईएमएफ कितना हो गया हमारे पास, 2 रख दो वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास 200 वोल्ट। मतलब 2 सेकंड पर कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हो जाएगा 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200/400, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 या बोल दो 0.5 एम्पियर जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमें, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो देखो फ्लक्स क्या है हमारे पास, फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एल आई। क्लियर है क्या, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, एल आई। हमारे पास किसी भी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट। अगर इसी का डिफरेंशिएशन कर दो तो एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी वैल्यू दे देता है उस कॉइल में। क्लियर है क्या, ठीक है भाई। तो यहां हमें एल दे रखा, आई दे रखा 5, पूछा सीधा वैल्यू रख के मल्टीपल करना है। तो आई की वैल्यू दे रखी है 2.5 और फ्लक्स की साथ में एल की वैल्यू हमें दे रखी है 5 हेनरी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5 वेवर। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, व्हेन अ वायर मैग्नेट फॉल्स थ्रू अ लॉन्ग होलो मेटल सिलेंडर फिक्स्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज। कि कहानी क्या है कि हमारे पास ये एक लॉन्ग सिलेंडर हो गया, ठीक है। शुरुआत में मैंने क्या किया, यहां से एक वायर मैग्नेट एस एन, इसको यहां से रिलीज किया तो इस पे केवल नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था एम जी। क्लियर। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू निकल रही होंगी, इधर से यू इंटर हो रही होंगी। क्लियर। अभी हमारे पास कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो जैसे यहां अगर मैं देखूं तो ये एक रिंग ले ली मैंने इस पे, क्योंकि क्लोज लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, कंडक्टिंग है। क्लियर। तो इस रिंग के लिए अगर मैं देखूं तो इसके अंदर पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है भाई, अब ग्रेविटी की वजह से ये तो आएगा नीचे, ग्रेविटी की वजह से जैसे ये नीचे आएगा तो भाई नीचे ये कोई वी स्पीड अचीव कर लेगा। क्लियर। और वी स्पीड से अब ये नीचे आ रहा है, तो भाई नीचे जब ये आएगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस लूप को पास करेंगी, और ये नीचे आता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से अगर देखें तो इस कंडीशन के लिए बढ़ता जाएगा हमारे पास। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं इसके क्रॉस सेक्शन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो वेरी करेगा, और लेंज लॉ से हम बोल सकते हैं कि देखो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जब वेरी करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा, और इस तरह से आएगा कि इसके नीचे आने का अपोज करे, इसके नीचे आने का अपोज करे, तो वो जो है ऊपर की तरफ इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा एफ।
क्लियर है क्या? क्योंकि लेंज लॉ क्या बोलता है कि इसमें इंड्यूस करंट इस तरह से आएगा कि उस कॉज का अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो इसके इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा उसके प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? इसका नीचे की तरफ आना, क्योंकि तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब देखना, अब ये जिस रफ्तार से नीचे आएगा, अगर ये जल्दी जल्दी आएगा तो इससे करेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होगा वो जल्दी जल्दी चेंज होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके फ्लक्स की जो चेंज की रेट है इस लूप के अक्रॉस, वो है इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। जब फ्लक्स इसकी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है तो सॉरी फ्लक्स में चेंज की रेट जो है इसकी स्पीड पर डिपेंड कर रही है तो ईएमएफ भी डिपेंड करेगा। ईएमएफ डिपेंड करेगा तो इंड्यूस करंट डिपेंड करेगा, इंड्यूस करंट डिपेंड करेगा तो रिटार्डिंग फोर्स जो है वो भी स्पीड पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो किसी भी टाइम पर अगर मैं इसका एक्सीलरेशन लिखूंगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? वो हो जाएगी एम जी, नीचे की तरफ ले लिया मैंने एक्सीलरेशन, वो हो जाएगी एम जी माइनस एफ वी बाई एम। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस एफ वी का फंक्शन है बाई एम। क्लियर? अब देखना जरा, शुरुआत में स्पीड इसकी कम होगी क्योंकि फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ है, शुरुआत में स्पीड कम होगी जिसकी वजह से रिटार्डिंग फोर्स कम होगा तो नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड मिलेगा। अब जैसे जैसे नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड हो गया, नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो उस एक्सीलरेशन की वजह से इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ेगी। डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी तो डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसका जो रिटार्डिंग फोर्स है वो बढ़ता हुआ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि ये जो एफ बी की वजह से जो ये एक्सीलरेशन आया है वो इस जी को बैलेंस कर देगा और फाइनली एक्सीलरेशन डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर? एक बार जब एक्सीलरेशन जीरो हो गया, अब इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ाने वाला कोई फोर्स नहीं बचा। क्लियर है क्या? अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गई तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा जो एम जी को बैलेंस कर रखा है। तो मैं कह सकता हूं फाइनली एक्सीलरेशन जीरो ही रहेगा इसका और ये जो है हमारे पास बार मैग्नेट जो है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी या जिसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी से जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करती रहेगी। ये कुछ इस तरह से जैसे फ्लूड में हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास ये केस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखें जरा इसका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही बात है कि एक्सीलरेशन जो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, लेस देन जीरो इक्वल टू जी, इक्वल टू जी नहीं, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला है हमारे पास देखें जरा, बोला इंड्यूस्ड पोटेंशियल इन अ कॉइल इज डेवलप्ड बाय चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन वेबर टू पॉइंट वन वेबर इन पॉइंट वन सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ? वन वेबर से पॉइंट वन वेबर हो गया तो पॉइंट नाइन वेबर का तो चेंज हुआ, अपॉन टाइम लगा 0.1 सेकंड तो 9 वोल्ट जो है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया हुआ। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में बोला है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद अ एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। समझना जरा ओरिएंटेशन क्या हो रहा है, कि ये हमारे पास एक आर रेडियस का कॉइल ले लिया, ये हो गया इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है क्या? इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो बाहर होगा या अंदर की तरफ। मैं अंदर की तरफ मान लेता हूं, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये जो कॉइल है इस तरह से घूमती रहेगी तो इसके अंदर जो पास हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होगा क्या? अरे भाई सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। फाई की बात करूं तो मैं बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब जब ये इसी तरह से घूमने लग रही है तो बी तो कांस्टेंट है ही, एरिया भी कांस्टेंट हो गया, एंगल भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होगा? तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6-7 देखें जरा। बोला अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। ठीक है, कि कंडक्टिंग रॉड है एल लेंथ की, ठीक, ये फॉल कर रही है विद अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई ये हमारे पास क्या रख दी मैंने, इसमें ये हमने रख दी एक एल लेंथ की रॉड, क्लियर, अंदर, ठीक है, ये फॉल कर रही है वी स्पीड से और हॉरिजॉन्टल जो है इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो है वी। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे परपेंडिकुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी बी एल हो जाएगी,
राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा, बोला अ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज बी नॉट एंड द एंगल ऑफ डिप इज डेल। अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ मूव्स ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी वी द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। तो देखो, एक तो जो हमारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, क्लियर है क्या, और साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है भाई। तो ये डायरेक्शन देखें जरा, क्योंकि इसका एक और ओरिएंटेशन तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्लियर। मैं अलग से ये बना लेता हूं कि इधर वही नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये डायरेक्शन वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तुम्हारा, ये वाला प्लेन, बोर्ड का प्लेन जो है, क्लियर, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप डेल पर इस मेरिडियन में बी नॉट का हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ये नॉर्थ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया वी नॉट कॉस डेल, और वर्टिकली डाउन में कंपोनेंट आ गया वी नॉट साइन डेल। इसी को मैं जरा यहां बता देता हूं, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन। तो यहां अगर देखा जाए तो नॉर्थ वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो आया है हमारे पास इधर वी नॉट कॉस डेल, और वर्टिकली डाउन मतलब अंदर की तरफ जो कंपोनेंट आया है वो है बी नॉट साइन डेल। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। अब इसमें बोला है कि एक वायर है जो कि नॉर्थ साउथ के अलोंग रखा हुआ है, रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ एल है, और ये वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमें पता है कि भाई इस रॉड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास वी बी एल, वहां सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लो, तो एल और स्पीड तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही, ये वी नॉट कॉस डेल जो है वो एल के पैरेलल में आ गए, तो इस कंपोनेंट का तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस कराने में कोई रोल नहीं रहा, केवल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डाउनवर्ड यही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ लेके आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट साइन डेल वी एल, तो ऐसा ऑप्शन हमें सेकंड दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, 9 में क्या बोला है, द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेसेस। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर टोटल एवरेज डेंसिटी अगर लिखी जाए तो वो आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, मतलब ई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर, यहाँ ई नॉट पीक वैल्यू है, क्लियर। प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा बी आर एम एस का स्क्वायर, मतलब बी नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर, बी आर एम एस स्क्वायर बाई टू मी नॉट, ये आती है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इसको अगर मैं ऐड करूं तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, क्लियर। ऐसा ऑप्शन अगर देखें तो देखो यहां है ऐसा ऑप्शन, बस ये 1/2, 1/2, 1/4 होना चाहिए, यहां पर भी 1/2, 1/2 है, ठीक है, यहां केवल एक स्टेप दे रखा है। तो देखो ये भी हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, एनर्जी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो ये दोनों जो वैल्यू है वो आपस में सेम होती है। तो मैं कह सकता हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस ये वैल्यू भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के इक्वल है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या बोल दो 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई, एक मिनट, ये टू मिनट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीपल हो चुका है ना, ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू मिनट, तो या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बोल दो या हाफ वी नॉट स्क्वायर बाई टू मिनट बोल दो। ये जो है टोटल एवरेज एनर्जी होती है हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ऐसा ऑप्शन हमें थर्ड दे रखा है, तो थर्ड जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 10, बोला अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ये हमारे पास एक 4 मीटर लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मूव्स एट अ परपेंडिकुलर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसके परपेंडिकुलर स्पीड में अंदर की तरफ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी, तो ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। व्हेन द कंडक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कि कंडक्टर जो है इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है उससे 30 डिग्री एंगल पर है और इस बी की वैल्यू बोल रखी है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस रोड के अंदर हो जाएगा वीबीएल, इसमें सारी की सारी चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लो। साथ में एक चीज ऐड की है इसने, स्पीड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो स्पीड अंदर की तरफ और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बी है, तो सारे के सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखना एल और बी तो परपेंडिकुलर है ही, इस मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा कॉस 30 वाला, वो तो अलोंग द लेंथ आएगा, तो वो तो अपन को चाहिए नहीं, अपन को चाहिए परपेंडिकुलर, तो बी साइन 30 वाला कंपोनेंट चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन 30, क्लियर। तो बी साइन 30, स्पीड और लेंथ सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बी वी एल ये जो है हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। वैल्यू रख दो, अब v की वैल्यू 0.1, साइन 30 की वैल्यू हाफ, लेंथ की स्पीड की वैल्यू 10, लेंथ की वैल्यू 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 वोल्ट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा उसमें 2 वोल्ट, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा क्या बोला है इसमें। बोला है अ 50 मिली हेनरी कॉइल कैरिज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल। तो देखो किसी भी एल सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस के एक कॉइल में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें स्टोर्ड एवरेज एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एनर्जी निकाल सकते हैं इसमें हाफ एल आई स्क्वायर से, तो हाफ एल की वैल्यू हमें रखिए 50 मिली हेनरी, तो 50 × 10⁻³, आई की वैल्यू हमें रखिए 2 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 × 10⁻³, या बोल दो 0.1 जूल, करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा। 12 में बोला एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द प्योर इंडक्टेंस एल व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू इट्स, अभी भी जस्ट बताया हाफ एल आई स्क्वायर, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 देखें जरा, 13 में क्या बोला है हमसे कि टू प्योर इंडक्टर्स ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल बट आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, द टोटल इंडक्टेंस है, तो इंडक्टर जो है उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, क्लियर है क्या। अब हमें पता है कि इंडक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना हमारे पास, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे रजिस्टर होता है, क्लियर है। तो हमारे पास इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एल और एल को, तो साफ साफ बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव एल बाई टू आ जाएगा। कि एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये भी एल पैरेलल में कनेक्ट किया, तो एल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा L1 L2 / L1 + L2, तो एल बाई टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि देखो अगर ये पास पास रखी हुई होंगे तो इसमें इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस और आ जाता, इसलिए उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि दे आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे की वजह से म्यूचुअली इंडक्टेंस जैसा कोई रोल यहाँ नहीं है, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है फाइंड आउट द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर इन 10 सेकंड गिवन एल इक्वल टू 10 माइक्रो हेनरी। तो देखो किसी भी इंडक्टर से अगर di/dt रेट से करंट पास हो रहा होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है -L di/dt। मैग्नीट्यूड की बात करें तो केवल L di/dt रख दो, तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रो हेनरी, मतलब 10 × 10⁻⁶ di/dt, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन करंट, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी ले सकता हूं, करंट में चेंज कितना हुआ 0 से 1, मतलब 1 का टाइम कितना लगा 10 का, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁻⁶ वोल्ट, या बोल दो 1 माइक्रो वोल्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में बोला है एट एनी इंस्टेंट करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी इज गिवन बाई i = t²e⁻ⁿ। The induced EMF will be zero at time, कि इसमें बोला है कि induced EMF जो है वो किस टाइम पे जीरो होगा, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो induced EMF की वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, induced EMF की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास L di/dt मैग्नीट्यूड में, या साइन के साथ बोलो तो माइनस, ठीक है। तो माइनस L कॉन्स्टेंट है L, तो di/dt निकाले तो डिफरेंशिएशन करोगे तो दो फंक्शन मल्टीपल हो रहे, तो t² का हो जाएगा 2t e⁻ⁿ साथ में चलेगा, फिर e⁻ⁿ का हो जाएगा -e⁻ⁿ t² साथ में चलेगा, क्लियर। अब ये वैल्यू हमें जीरो करनी है, क्लियर। तो इसमें से e⁻ⁿ तो कॉमन ले लो, तो 2t − t² = 0। ये टर्म तो कभी जीरो हो नहीं सकती, हम बोल सकते हैं कि ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0 और 2 सेकेंड। तो t = 0 और t = 2 सेकेंड पर जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो होगा, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स, क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं।
सिक्स में बोला ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. में होता है क्या, देखो प्राइमरी कॉइल में तुम करंट फ्लो कराते हो तो उससे करेस्पॉन्डिंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है. तो प्राइमरी कॉइल में से जो फ्लक्स निकलता है वो जब सेकंड में लिंक करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो तुमने प्राइमरी में फ्लक्स लगाया, प्राइमरी में करंट फ्लो कराया, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इस चीज को अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है. तो ये ट्रांसफॉर्मर जो किस फॉर्मूले पे, किस फिनोमेना पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेड ऑफ, तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है वो क्या हो, कम से कम हो. करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, बोला अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाईज अ लोड ऑफ 2 एम्पीयर, मतलब इसका जो आउटपुट करंट है वो 2 एम्पीयर है. द रेशियो ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर गिवन 1:25 द करंट इन द प्राइमरी कॉइल. तो देखो ट्रांसफार्मर के रिलेशन हमें पता ही होता है कि हमारे पास V1 अपॉन V2 इक्वल टू होता है N1 अपॉन N2 और करंट के साथ उल्टा रिलेशन I2 अपॉन I1. अब हमें N1:N2 दे रखा है 1:25, सेकेंडरी का करंट दे रखा है, प्राइमरी का करंट पूछा, तो हम साफ साफ देख सकते हैं 50 एम्पियर जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा होगा. आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. 19 में बोला है द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, द बैटरी हैज अ नेगलिजिबल रेजिस्टेंस, ये बैटरी जो है आइडियल है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट आई इज 2 एम्पियर, इस इंस्टेंट पे 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है. इट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10^2 एम्पियर पर सेकेंड, करंट जो है वो 100 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है, मतलब DI/DT की वैल्यू हम लेंगे -100. वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड ए, क्लियर. तो लगाए जरा KVL. हाँ भाई, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं VA लिख दूँ, करंट की डायरेक्शन में जाने पर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा -I×R, तो I की वैल्यू दे रखी है हमें 2, ये अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ -IR. यहाँ अगर जाओ तो प्लस 12 इंक्रीज हो जाएगा, इंडक्टेंस में ड्रॉप आएगा -LdI/DT. अब तुम क्या करो, यहाँ प्लस मानो, करंट की डायरेक्शन में मान लो कि पोटेंशियल ड्रॉप जो आया है वो -LdI/DT आया है, क्लियर. क्यों, क्योंकि इसमें जो भी ड्रॉप आएगा, बैटरी जो भी इस तरह से इंड्यूस होती है कि उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से इसमें प्रोडक्शन हुआ है. तो करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कराने की कोशिश करेगी, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कराने की कोशिश करेगी. तो आप तो -LdI/DT लिख दो, DI/DT को विद साइन पुट करना, अपने आप आंसर सेट हो जाता है, क्लियर. अपन पहुंच गए बी पर, क्लियर. तो अपन को निकालना है क्या, VB-VA निकालना, तो VB-VA की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, VB-VA की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12-IR-LdI/DT. अब ये वैल्यू रखो तो 12-I की वैल्यू 2, R की वैल्यू भी 2 बोल रखी है, -L की वैल्यू, L की वैल्यू हमें दे रखी है 5 mH, तो 5×10^-3. अब DI/DT जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस में रखना पड़ेगा 10^2. सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 8, -± +0.5, तो 8.5 जो है वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, क्लियर है क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 AC का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इन द सर्किट शोन इन द फिगर नेगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग्स विल रेस्पेक्टिवली भी. तो देखो ध्यान से अगर देखो तो ये सीरीज LRC सर्किट है हमारे पास और इसमें XL और XC की वैल्यू सेम है. जब XL और XC की वैल्यू इसमें सेम है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई है, क्लियर. XL और XC सेम है तो इफेक्टिव Z इसका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा. ये रेजोनेंस की कंडीशन में प्योरली हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा. जितना ऊपर VL है उतना ही नीचे VC होगा, क्लियर है. तो VL और VC के अक्रॉस नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, 0, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग तो 0 हो गई, क्लियर. करंट की बात करें तो देखो Z जो केवल R के इक्वल हो गया, तो इफेक्टिव करंट कितना आ जाएगा, V/R, तो 240/30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एम्पियर. तो 0 वोल्ट और 8 एम्पियर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर. 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है. आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. 21 में हमें सर्किट दे रखा है, बोला है करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद टाइम इन द कॉइल. तो देखो करंट जो है ना इसमें कॉइल में जो करंट जो है शुरुआत में, यहां अगर स्लोप देखो तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्लोप है, DI/DT की वैल्यू प्लस में, यहां DI/DT की वैल्यू माइनस में, बट कॉन्स्टेंट.
तो मैं कह सकता हूं शुरुआत में जो डी आई बाई डी टी है वो प्लस में है, तो एल डी आई बाई डी टी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डी आई बाई डी टी माइनस में कॉन्स्टेंट हो गया उतना ही, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी यहां पर। मतलब मैं कह सकता हूं कि ई एम एफ जो तुम लिखते हो वो क्या लिख सकते हो, वो लिखते हो तुम मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो चलो एल डी आई बाई डी टी। अब शुरुआत में स्लो से स्लोप है प्लस फाइव, तो प्लस में आ गया। उसके बाद अपोजिट सेंस में माइनस फाइव वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो एक बार तो कॉन्स्टेंट आएगा पॉजिटिव सेंस में, एक बार आ जाएगा नेगेटिव सेंस में। तो ऐसा ऑप्शन केवल हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? ये अगर स्ट्रेट लाइन की बजाय कुछ और आता तो ग्राफ कुछ और हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट लाइन बोला है स्लोप कॉन्स्टेंट है, तो स्लोप कॉन्स्टेंट है तो ये टर्म कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है ही, तो ये मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो एक बार तो पॉजिटिव स्लोप की वजह से पॉजिटिव सेंस में कॉन्स्टेंट, एक बार नेगेटिव स्लोप की वजह से नेगेटिव सेंस में कॉन्स्टेंट वोल्टेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बोला अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट इन अ सेमी सर्कल, इट इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड बी एज फ्रॉम द फिगर विद डायमीटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ये मैं बताना है। तो देखो, जब भी तुम इस रैंडम शेप का वायर जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास मूव कर रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस वायर को उसके डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मैच करो। क्लियर? तो ये अगर आर रेडियस का वायर था हमारे पास, तो ये लेंथ हो गई 2R, तो आप इसकी बजाय 2R के लिए सारी कहानी कर दो, सेम ही रिजल्ट आते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान रखना। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 2R, इधर जा रहा है V से, सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी VVL। क्लियर? अब आंसर जो है हमें लेंथ की फॉर्म्स में फाइंड करना, तो देखो ये लेंथ जो है इसकी L वो कितनी है हमारे पास, आधा सरकमफेरेंस पाई आर के इक्वल है, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से एल अपॉन पाई, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास V2L अपॉन पाई, या बोल दो 2BVL अपॉन पाई, तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में बोला है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज E इक्वल टू 20 sin 300t, द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर वन साइकिल। क्लियर है क्या? तो साइनोसोडल हमारे पास वेव है, साइनोसोडल वेव है हमारे पास, तो ईएमएफ अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ आएगा वन लूप के लिए। क्लियर है? तो इसकी एवरेज वैल्यू की अगर बात करें, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ईडीटी अपॉन डीटी, जीरो से टी पूरे साइकिल में निकालना है, जीरो से टी। ठीक है, तो हम ईडीटी क्या है, ईडीटी बोल सकते हैं हम एक साइकिल में ईएमएफ का टाइम के साथ एरिया। तो एक साइकिल में ईएमएफ का टाइम के साथ एरिया देखो, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो टोटल हो गया जीरो। क्लियर? तो जीरो वटा समथिंग, जीरो हमारे पास वैल्यू दे देगा, मतलब एवरेज जो है हमारे पास ईएमएफ, एवरेज पोटेंशियल जो है हमारे पास, एवरेज वोल्टेज जो है वो पूरी साइकिल के लिए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारे पास। अगर आरएमएस बोलता तो कितना आता, ई नोट बाई रूट टू, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता ही होना चाहिए हमें। 25 बोला द पीक वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट ऑफ एसी मेंस, एसी मेंस के लिए इतना सप्लाई दे रखा है, इसका पीक वैल्यू पूछा है। तो जब भी आपको बोला जाए कि भाई इतनी एसी मेंस की सप्लाई जा रही है, तो वो हमको गिवन होती है उसकी आरएमएस वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू पूछी है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो आरएमएस की वैल्यू होती है वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू, तो वी नॉट की वैल्यू, पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आरएमएस इंटू रूट टू, 220 को रूट टू से मल्टीपल करते ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 311 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 24 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेंस इन इंडिया, इंडिया में जो देखो एसी सप्लाई जो काम में आती है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता होना चाहिए हमें। तो करेक्ट आंसर इसका हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन। 26 देखें, बोला द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज गिवन बाय ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये तो है हमें क्या दे रखी है, ठीक है ये तो हमें ईएमएफ दे दिया इस 10 वोल्ट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एट टाइम टी इक्वल टू 1/600 सेकंड, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा है हमें। ठीक है भाई, तो पहले तो जरा मैं इसका एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ईएमएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है ई नॉट की वैल्यू 10 कॉस ओमेगा टी, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो ये वैल्यू आ गई 100, ये 10 कॉस 2πf हो जाएगा हमारे पास 100π t, और टाइम की वैल्यू कितने टाइम पे पूछा है, ये हमसे पूछा है 1/600 सेकंड पे, तो ये वैल्यू आ गई 10 cos π/6 √3/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5√3 वोल्ट।
तो 1/600 सेकेंड पे जो वोल्टेज जो है वो रहा होगा 5√3 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 में हमसे क्या बोला है, इफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज द इक्वेशन 141 sin 6 to 8 t, देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो ये टर्म है हमारे पास, क्या ये टर्म है पीक वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी पीक वैल्यू 141/√2। अब वैल्यू रखो तो 141√2 की वैल्यू 1.41 ले लें, तो 41 ये तो कैंसिल होगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 वोल्ट। तो पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू तो आ गई 100 वोल्ट, जो कि दो ऑप्शंस में दे रखा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टाइम का जो कॉफिशियंट होता है ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 2πf, क्लियर। ये वैल्यू हमें दे रखी है 628, पाई की वैल्यू रख दो तो पाई की वैल्यू होती है हमारा 3.14, तो उसको मल्टीपल करोगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 628, तो एफ की वैल्यू आ गई यहाँ से 100 हर्ट्ज़, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 100 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज़। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला, इन एन एसी सर्किट द ईएमएफ ई एंड द करंट आई एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय दीज इक्वेशंस। ठीक है, ई जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, करंट जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई दे रखा है, तो ये जो है करंट जो है वो ईएमएफ से फाई एंगल लैग कर रहा है। द एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर वन साइकिल ऑफ द एसी, देखो तो एवरेज पावर अगर लिखी जाए इस एसी सर्किट में, तो हम बोल लिखते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, क्लियर, या बोल दो आई आर एम एस की वैल्यू आई नोट बाई रूट टू, वी आर एम एस की वैल्यू वी नोट बाई रूट टू, या वी नोट की जगह उसने ई नोट सिंबल काम में लिया, बस तो सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना। कॉस फाई में फाई होता है फेज डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमारे पास फाई है, तो हम बोल सकते हैं कॉस फाई हो गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नोट वी नोट बाई टू कॉस फाइव, तो ई नोट वी नोट बाई टू कॉस फाइव सेकंड जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है, सॉरी फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में बढ़े जरा, बोला द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटिव इन एसी सर्किट। तो देखो किसी भी एलसीआर एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है ना हमारे पास वो ही एनर्जी डिसिपेट करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो एनर्जी डिसिपेशन केवल रजिस्टर में देखने को मिलता है। इसने बोला द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो है हमारे पास प्योर कैपेसिटर कभी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4th ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, बोला एल सी एंड आर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटिंग डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ाई है कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1/2π√LC। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि जो 1/√LC की डायमेंशन है वही फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, मतलब एलसी की पावर -½, तो सेकंड जो है हमारे पास करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। क्वेश्चन नंबर 30 बंद देखे, बोला इन एन एसी सर्किट द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर 3, 10 and 14 ओम रेस्पेक्टिवली, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बोल रखी है इसमें आर की वैल्यू 3 ओम, ठीक है, सीरीज एलसीआर में, एंड इंडक्टिव बोल रखा है हमें एक्सएल की वैल्यू 10 ओम और एक्ससी की वैल्यू हमें बोला है 14 ओम। तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं आर की वैल्यू तो इधर 3 ओम है ही, इधर इफेक्टिव टोटल बच जाएगा कैपेसिटिव 4 ओम, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इनका 5 ओम, तो जेड की वैल्यू इंपीडेंस की वैल्यू 5 ओम रही होगी इसमें, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखें जरा। 32 में बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज ऑफ एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे अगर मैं बात करूं तो क्या कहानी होती है, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी तो हो जाते हैं हमारे पास सेम, एक्सएल और एक्ससी हो जाते हैं सेम, केवल इधर आर बचता है, या बोल दो ऊपर वीएल और वीसी हो जाते हैं सेम, इधर वीआर इधर ही आई, तो वीएल वीसी तो सेम होगा, तो इनका रिजल्टेंट तो हो गया 0, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो वीआर के इक्वल ही बच गया, तो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट जो है वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में, फेज डिफरेंस 0, तो यहां क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन फेज डिफरेंस इज 0, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, बोला उसमें इन एन एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 3 द कंपोनेंट्स इन द सर्किट आर। क्लियर, कि जो करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 3, कि भाई ये हम क्या मान लें, यहां ये हमने मान लिया करंट,
ये लैग कर रहा है वोल्टेज से पाई बाई थ्री से, इधर होगा हमारे पास वी नेट और इससे पाई बाई थ्री लैग कर रहा है। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई सीरीज सर्किट में अगर तुम देखो तो इधर तो है हमारे पास आर जिसमें करंट इधर आएगा, इधर हमारे पास वी एल या बोल दो एक्सएल होता है, क्लियर। इन दोनों का रिजल्ट इधर कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली सर्किट जो है वो आर एल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सएल हो बट वो ज्यादा हो एक्सी से, एक्सी कम हो इधर आर हो, तो भी रिजल्टेंट इधर कहीं मिल सकता है। तो मैं कह सकता हूं एलिमेंट में जो है सर्किट में जो भी या तो आर एल हो सकता है या आर एल सी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आर एन एल बिल्कुल हो सकते हैं, आर एन सी केवल आर एन सी से काम नहीं चलेगा, वहां तो लैग करेगा नीचे आएगा, ये वहां करंट लीड करेगा वोल्टेज लैग करेगा। एल एन सी में भी नहीं आएगा, वहां तो फेज डिफरेंस 90 हो जाएगा। ओनली आर की फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ फर्स्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, बोला रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी माइक्रो फैराड फोर एच एसी फ्रीक्वेंसी 400 अपॉन पाई हर्ट्ज 25 ओम, तो द वैल्यू ऑफ सी। तो देखो रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी वैल्यू हम लिखते हैं एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी की वैल्यू 2 पाई एफ सी, ये वैल्यू हमें दे रखी है 25 ओम, सी की वैल्यू पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू 25, वैल्यू रख दो अब तो 1 अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू दे रखी है 400 अपॉन पाई 25, पाई से पाई गया 800 हो गया ये, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 फैरड, या बोल दो 50 माइक्रो फैरड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर 50 माइक्रो फैरड रही होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है अ 0.7 हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी सोर्स, द करंट इन द इंडक्टर विल बी वेरी नियरली। तो देखो करंट की अगर बात करें तो इंडक्टर में कितना हो जाएगा वी वाई एक्सएल, और एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल। तो वैल्यू पुट करें आंसर इजीली आ जाएगा, वी की वैल्यू हमें दे रखी है 120, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ मतलब 120 पाई, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7, तो इससे तो ये गया आई की वैल्यू 1 अपॉन इसको रख दो 22/7 इंटू 0.7, 7 से 7 गया 10/22 मतलब 5/11, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.455 एम्पियर, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखें जरा। 36 में क्या बोला है हमें, इन एन एल सी आर सीरीज एसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ कंपोनेंट एल सी एन आर इज 50 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन इज। तो देखो जब सीरीज एल सी आर में एल सी और आर तीनों के ही अक्रॉस अगर हमारे पास वोल्टेज सेम है तो हम कह सकते हैं कि एल और सी के अक्रॉस भी सेम हो गया। अरे भाई जब एल आर सी में सबके अक्रॉस सेम है, इसके अक्रॉस भी 50, इसके अक्रॉस भी हमारे पास 50, ठीक है, तो फेजर डायग्राम अगर बनाए तो 50 50, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस तो 0 हो गया। तो ये जो कनेक्शन जो है हमारे पास क्या हो गया, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, वीएल और वीसी सेम है तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। और रेजोनेंस में हमारे पास क्या होता है, नेट वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसने बोला एलसी कॉम्बिनेशन विल बी, एलसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस तो 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछता या नेट पूछता सप्लाई वोल्टेज पूछता तो वो भी हमारे पास 50 वोल्ट हो जाता। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एलसीआर सर्किट विद एसी सप्लाई डिसिपेट्स एनर्जी। तो केवल रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी डिसिपेट करता है, बाकी तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो केवल सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। 38 की बात करें, बोला इन द फिगर शो ऑन द 3 एसी वोल्टमीटर्स आर कनेक्टेड एट रेजिडेंस, रेजिडेंस में कहानी बतानी है हमें। तो देखो रेजिडेंस की कंडीशन में क्या होगा, रेजिडेंस की कंडीशन में अगर मैं देखूं तो जितना वी एल होगा उतना ही वी सी होगा, अपोजिट फेज में होने की वजह से बी टू की रीडिंग तो आ जाएगी 0। क्लियर, ठीक है भाई। अब अगर बात करें वी वन की, तो वी वन की वैल्यू तो किसके इक्वल हो जाएगी, सोर्स के इक्वल, क्योंकि अब तो एक तरह से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बच गया, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप है केवल रेजिस्टेंस पे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ वी वन की वैल्यू तो हो गई सप्लाई के इक्वल,
वी टू की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो। अब ऑप्शन मैच करते हैं, पहला बोला इसने वी टू जीरो, बिल्कुल सही बात है। बी वन जीरो नहीं, बी वन तो सप्लाई के इक्वल है। बी थ्री जीरो नहीं, बी थ्री तो सप्लाई है। बी वन बी टू इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सीरीज एलसीआर सर्किट जो है बेसिकली एसी का, उसमें रेजोनेंस की कंडीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन भी यहां से बनता है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन जो है सीरीज में, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस में क्या क्या कहानी होती है वो माइंड में रखना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। 39 की बात करते हैं, बोला एक करंट ऑफ 25/π Hz फ्रीक्वेंसी इज पासिंग थ्रू एन एसी करंट, एसी सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू 100 ओम, एल इक्वल टू 2 हेनरी, इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। एक हमें एलसी सर्किट दे रखा, एक हमें आरएल सर्किट दे रखा है बेसिकली, जिसमें आर जो है वो हमें हमारे पास इधर आर की जो वैल्यू वो है हमारे पास 100 ओम। एक्सएल की बात करते तो वो हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो 2πf ओमेगा इंटू एल, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 ओम। एक्सएल भी 100 हो गया। अब RL में R भी 100, XL भी 100, तो रिजल्टेंट जो है वो बीच में कहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री का। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोला अ सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस एट 10 kHz फ्रीक्वेंसी इफ द कैपेसिटर इज 0.01 μF द इंडक्टेंस यूज्ड इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास वो आती है 1/2π√LC एक सीरीज LCR सर्किट में। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इसने 10 kHz, मतलब 10⁴ Hz इक्वल टू 1/2π√L। L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, C की वैल्यू दे रखी है 0.01 μF, मतलब 10⁻¹ F, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन गया 10⁸ इक्वल टू 1/4π² × L 10⁻¹। ये मल्टीपल होकर खत्म, तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4π². पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्स 10 के इक्वल ले सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/40, या बोल सकते हो इसे 0.025 हेनरी, या बोल सकते हैं इसे हमारे पास 25 mH। तो L की जो अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास 25 mH रही होगी इस रेजोनेंस की कंडीशन के लिए, क्लियर। 41 की तरफ चलते हैं जरा। 41 में बोला अ वर्टिकल बार मैग्नेट इज ड्रॉप फ्रॉम पोजीशन ऑन द एक्सिस ऑफ अ फिक्स्ड मेटल कॉइल एज इन द फिगर 1, क्लियर। इन फिगर 2 द मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड हॉरिजॉन्टल कॉइल इज ड्रॉप, द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल आर A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। के फर्स्ट केस में तो हमने कॉइल को फिक्स रखा, मैग्नेट को गिराया, दूसरे केस में मैग्नेट फिक्स है कॉइल को गिराया, क्लियर। और दोनों के एक्सेलरेशन की बात की है, तो देखो अगर यहां पर हमारे पास अगर बात करूं मैं कि एक बार एक ही चीज है जो हम फॉलो करा रहे भैया कि बार मैग्नेटी और कॉइल ही है यहां पर, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा यहां पर जी, क्लियर। अब जैसे ही तुमने यहां पर ये चीज रखी है, भाई दूसरा एलिमेंट भी रखा है, तो क्या होगा कि बार मैग्नेट जब यहां नीचे आएगी तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा और लेंज लॉ से अपोज करेगा इसके नीचे आने का, मतलब एक्सेलरेशन जो है इसका जी से कम कर देगा, क्लियर। यहां पर भी बात करूं कि जब भी कॉइल नीचे आएगी तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा, तो फिर से इंड्यूस करंट इसमें ऐसे आएगा कि नीचे आने का अप्रोच करे, तो फिर से एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम होगा। तो दोनों ही केसेस में A1 A2 की जो वैल्यू है वो जी से कम होगी, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, A1 ग्रेटर देन जी, A2 ग्रेटर देन जी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, A1 और A2 दोनों की वैल्यू जो है वो जी से कम हो जाएगी, क्लियर। 41 की तरफ चलते हैं जरा, 42 की तरफ चलते हैं जरा। 42 में बोला है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, द इंड्यूस करंट इन द लूप इज, ठीक है। करंट की जो वैल्यू है वो इस वायर में इंक्रीज हो रही है, तो इस वायर की वजह से अगर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखो ये आएगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब अगर इसमें आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो कॉइल में करंट ऐसे आएगा कि फ्लक्स में बढ़ने का अप्रोच करे, तो बाहर में बढ़ने का अप्रोच करेगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट ऐसे आएगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराना चाहेगा, मतलब करंट जो है वो आ जाएगा इसमें क्लॉकवाइज ताकि बाहर बढ़ने का अपोज कर सके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हैव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। 43 के चल चलते हैं, बोला अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, हाउ विल ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज, कि भाई एक आर है हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी एक हमारे पास बल्ब है और उसको कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा के एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बोला है कि बल्ब की चमक पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो देखें जरा
कि भाई ये बल्ब हो गया, बल्ब मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर। अब बल्ब के ग्लो करने का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस जो वो कितनी पावर कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आर आई की बात करूं, आई तो आई की वैल्यू हो जाएगी, इसमें आई की वैल्यू हो जाएगी सप्लाई का वोल्टेज वी एस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा मतलब 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका इंपीडेंस, क्लियर। तो दो सप्लाई वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, इसमें दीजिए सर्किट में करंट, क्लियर है क्या। अगर मैं इसमें इस बल्ब के अक्रॉस अगर पावर की बात करूं तो पावर हो जाएगी हमारे पास आई स्क्वायर आर। अब हम क्या करें, सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट रखी गई है, केवल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है, तो देखना जरा इफेक्ट क्या होगा इसमें, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो ये वाले जो टर्म है वो डिक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल ये टर्म इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो ये इफेक्टिव पावर जो है कंजम्पशन इसका वो बढ़ता जाएगा, बल्ब की चमक बढ़ती हो जाएगी। तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इसका जो एक्सी इंपीडेंस जो वो कम होती जाएगी, तो जेड कम होगा, जेड कम होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं द ग्लो डिक्रीजेज नो, द ग्लो इंक्रीजेज यस, द ग्लो रिमेन सेम नो, बल्ब क्वेंचेज, बल्ब जो है वो ऑपरेट करना बंद कर देगा, नहीं, क्लियर है क्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास द ग्लो इंक्रीजेज, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, बोला अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स हैविंग टोटल पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स इज सप्लाइड बाय एन एसी वोल्टेज ई इक्वल टू 200 साइन 310 प्लस 60 डिग्री, देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट इज, ठीक है। तो बोला है कि भाई हमारे पास काफी बल्ब्स हैं, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, क्लियर। रेजिस्टेंस को हमने इस सोर्स के साथ सप्लाई में लगा दिया, तो हमें पता है करंट और वोल्टेज जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए सेम फेज में होते हैं। तो हम पावर की अगर बात करें तो पावर हम लिख सकते हैं इजीली, पावर लॉस हम लिख सकते हैं आई इंटू वी, क्लियर। आई आर एम एस वी आर एम एस, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस जीरो वन हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया पावर कंजम्पशन। अब इसने पावर कंजम्पशन बोल रखा है 100 वॉट, आई आर एम एस हमसे कैलकुलेट करवाया है, वी आर एम एस हमको दे रखा है, देखो तो पीक वैल्यू पता है हमें 200, तो वी आर एम एस आ जाएगा यहाँ से 200/√2, तो यहाँ से बिजली बोल सकते हैं आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5√2 एम्पियर, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, 45 बोला द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय ई इक्वल टू ई1 कॉस ओमेगा टी प्लस ई2 साइन ओमेगा टी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें पता है इसका, कि जब कभी भी हमें इस तरह का फंक्शन दे रखा हो कि आई जो है ई जो है हमारे पास हो जाए मान लो ई1 साइन या कॉस किसी में दे दे ओमेगा टी प्लस ई2, ये भी साइन या कॉस किसी में दे दे ओमेगा टी, तो इसमें ई आर एम एस की वैल्यू आती है हमारे पास अंडर रूट ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर बाई 2, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ पाई रूट 3 ओम सच दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज 30 डिग्री। ये क्या किया है कि एक कॉइल है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस है जिसका है हमारे पास पाई रूट 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, सच दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज 30 डिग्री। तो इसके लिए अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो इधर आर, इधर एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा, क्लियर। ये हमारे पास जेड आ जाएगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का हमें एंगल दे रखा है 30, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 10/30 की वैल्यू हम बोल सकते हैं एक्स एल बाई आर, तो 10/30 मतलब 1/√3, तो यहाँ से इजिली हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स एल को लिख दो 2πfL ओमेगा एल अपॉन आर इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ से एल हमें निकालना, एल की वैल्यू आ गई आर बाई रूट 3 2πf, वैल्यू रख दो अब आर की वैल्यू है पाई रूट 3 अपॉन रूट 3 2πf की वैल्यू है 50, तो पाई से पाई गया रूट 3 गया 1/100 मतलब 0.01 हेनरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 47 की तरफ चलते हैं जरा, 47 में बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एन एसी सर्किट इज पाई बाई 4, ठीक है भाई। इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन फेज डिफरेंस विल बी इक्विवेलेंट टू अ टाइम, कि देखो फेज डिफरेंस जो है ना वो हमें दे रखा पाई बाई 4,
क्लियर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब उसके जो साइकिल है उसका टाइम पीरियड हमें पता लग गया। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारे पास 1/50 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज। अब बोल रहा है कि ये जो फेज डिफरेंस है ना, इसको फेज डिफरेंस को एंगल्स के बजाय टाइम के फॉर्म से बताओ। तो हम बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस फाइव को लिखा जा सकता है ओमेगा टी, क्लियर। तो पाई बाई फोर इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हो गई 2πf इंटू टी, तो यहां से वो उसके करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/8f। अब f की वैल्यू रख दो तो 1/8, f की वैल्यू 50, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/400 सेकेंड्स, या इसको हम बोल सकते हैं 0. इसको बोल सकते हैं 0.25, तो 2.5 मिली सेकेंड्स। 1/4 हो जाएगा 0.25, ठीक है 2.5 मिली सेकेंड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। ओके 48 की तरफ चलते हैं। 48 में बोला है इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल बल्ब्स विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। देखो तो आइडेंटिकल बल्ब्स है तो उनके रेजिस्टेंस तो सेम हो गए। अब जिसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगा उसकी पावर भी कंजम्पशन ज्यादा होगा तो वो ग्लो भी ज्यादा करेगा। तो मैं करंट चेक कर देता हूँ। तो यहां अगर बात करें तो देखो ये तो आर आर है ही, सप्लाई दोनों पे वी एस वी एस सेम है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सप्लाई तो सेम है। तो एक्सएल और एक्सिस से कंपेरिजन की जा सकती है। एक्सएल की बात करें तो हम बोल सकते हैं ओमेगा इंटू एल, एल की वैल्यू हमारे पास 10^10 मिली हेनरी में तो -1, तो ये आ गया ओमेगा अपॉन 10 ओम, क्लियर। एक्ससी की बात करें तो एक्ससी की वैल्यू हो जाएगी 1/ωc और सी की वैल्यू है 10 pF, मतलब 10^10 -11, तो ये वैल्यू आएगी 10^11 / ω. तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि एक्ससी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली एक्सएल के, क्लियर। तो इस वाले सर्किट में करंट जो है वो बहुत कम जाएगा। अब इसमें करंट बहुत कम जाएगा तो पावर कंजप्शन भी बहुत कम होगा, तो हम कह सकते हैं बी वाला जो है वो डिम ब्राइट करेगा, ए वाला बहुत ज्यादा ब्राइट करेगा बी के कंपेरिजन में। जिसने बोला है विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बोला इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 400 angstrom देन द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 mm लेंथ, ठीक है कि भाई ये 1 mm लेंथ है, इसमें ऐसी कितनी वेव्स बनेंगी। तो क्या करो, लेंथ अपॉन लैम्डा कर दो। तो लेंथ दे रखी है हमारे पास 1 mm, मतलब 10^-3, ठीक है। इसको लैम्डा से डिवाइड करें तो 4 × 10^-7 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे, यहां से कितनी वेव्स बनी है उसमें। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.25 × 10^4, तो ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 में क्या बोला है हमें, बोला है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो सी की वैल्यू जो हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/√μ0ε0, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। 51 देखें जरा, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। तो देखो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम, ठीक है। क्योंकि जनरली वैक्यूम में कंपेरिजन कर ले, एक ही मीडियम में कंपेरिजन कर ले सबकी। तो C इक्वल टू एफ लैम्डा से, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी लैम्डा सबसे कम। और इन रेंज में सबसे ज्यादा जो एनर्जी है हमारे पास, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो गामा रेंज की है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसने यही पूछा है कि लिस्ट किसकी है, तो गामा रेंज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 52। बोला अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सबसरफेस वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखो फोटोन जो है उसके लिए मोमेंटम लिखा जा सकता है फोटोन की एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। अब ये सरफेस, इस पे अगर ये फोटोन आया तो इस टाइम इसकी एनर्जी अगर ई है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा ई अपॉन सी। अब परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो सेम एनर्जी लेते हुए रिफ्लेक्ट हो गया, मोमेंटम हो गया ई अपॉन सी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया 2E/c, तो ट्रांसफर मोमेंटम कितना आ जाएगा 2E/c, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए जरा, बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। तो देखो पोलराइजेशन जो है इसने बताया था कि हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स जो होती है, कैसे। ये पोलराइजेशन जो होता है कि ऐसी वेव्स का होता है जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं होता। और पोलराइड से जब हमने एक अनपोलराइज लाइट पास कराई तो हमने देखा कि आउटपुट में हमें पोलराइज लाइट मिलती है, मतलब पोलराइजेशन हुआ है। और पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स का होता है, इस चीज से पता लगा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पोलराइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरीज विद टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पर मीटर प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है यहां पर। तो देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है, चाहे तुम मैग्नेटिक फील्ड से निकालो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालो, एक ही बात है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो एवरेज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखी जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, मतलब ई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर, पीक वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8.85 × 10^-12, और यहां से ई नॉट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से 8.85 × 10^-12 जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, बोला अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखो एक चार्ज पार्टिकल की बात करें, तो जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ये केवल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और अगर ये एक्सलेट होता है तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हम उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें बोला है कि अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज, यस, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी होता है हमारे पास, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ देम, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं, बोला द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन जो है ना, आप निकाल सकते हो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, और हमें वो चाहिए यहाँ पर किसमें, के कैप डायरेक्शन में। तो तुम करके देख लो, जिस ऑप्शन का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जे कैप आ रहा होगा, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, नहीं हुआ आंसर, आई क्रॉस जे करेंगे के हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारे पास, के क्रॉस आई करोगे, क्लियर, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास जे, जो कि नीचे ही हमें जे क्रॉस आई करोगे तो आई क्रॉस जे के होता है, ये माइनस के आएगा, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? 57 की तरफ चलते हैं, 57 बोला अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ईस्ट डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ईस्ट में, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट ले, नॉर्थ साउथ ले लेते। तो बोला है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर क्यू फोर्स लगा हुआ ऊपर की तरफ, बट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है, मतलब पक्का या कोई ना कोई और फोर्स है, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स रहा होगा जिसने क्या किया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा जिसने क्या किया, इस क्यू को बैलेंस किया होगा, तभी जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो बोला मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो सकता है, तो देखो नॉर्थ की बात करें, अगर ये नॉर्थ ही हुआ तो देखो वी क्रॉस वी से, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में हो तो वी क्रॉस वी से फोर्स इधर लगेगा, तो ये दोनों फोर्स कभी बैलेंस नहीं हो सकते, तो नॉर्थ तो हो नहीं सकता। वेस्ट की अगर बात करें तो देखो वी क्रॉस वी जीरो हो जाएगा क्योंकि एंटी पैरेलल हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। वर्टिकली अप, अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अप हो तो वी क्रॉस वी, क्यू वी क्रॉस वी, चार्ज भी पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड साउथ की तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो ये हो सकता है वर्टिकली डाउन, और वर्टिकली अपवर्ड से आंसर आ रहा तो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा हमारे पास, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 57 में थर्ड ऑप्शन। 58 की बात करते हैं, बोला द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I watt per meter square on a non-reflecting surface H। तो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी रहना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास I इंटेंसिटी के फोटोन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, ठीक है, और ये जो सरफेस जब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, मतलब एक ही वैल्यू बन, तो यहाँ प्रेशर जो लगेगा वो आएगा हमारे पास I अपॉन C। क्लियर? और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टिव हुई है तो प्रेशर आएगा हमारे पास 2y अपॉन c। बेसिकली वही कहानी है, यहां पर बेसिकली मोमेंटम में चेंज आया था e अपॉन c, क्योंकि एब्जॉर्बर है परफेक्ट, यहां परफेक्ट रिफ्लेक्टर, तो मोमेंटम में चेंज आया था 2e अपॉन c, तो उसी के करस्पॉन्डिंग पर सेकंड मोमेंटम में चेंज मतलब फोर्स आया, और उसी से सेम 2 का फैक्टर
प्रेशर में भी जाएगा। अब इसने पूछा है ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो आएगा आई अपॉन सी, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें जरा। 59 बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करो तो उसके हमारे पास स्पेक्ट्रम में क्या आता है, सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा विवलन जो होती है वो होती है हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर आ जाती है विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, गामा रेज। क्लियर, ये आता जाता है। तो देखो एक्सरे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है ही, गामा भी है, इंफ्रारेड भी है, कैथोड रेडी नहीं है। तो बेसिकली कैथोड रेड प्रोड्यूस कैसे करते हैं कि एक वैक्यूम ट्यूब ली, उसमें यहां एक मान लो ये हमने कैथोड ले लिया, अब इसमें जब तुम ठीक है इसके करस्पॉन्डिंग यहां के लगा दो हाई वोल्टेज, लगा दो वेरी हाई वोल्टेज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यू, तो इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इससे इमिट होके बाहर की तरफ निकलेंगे, एक्सलेट होंगे एनोड की तरफ। क्लियर है क्या? तो ये जो हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है इसी को हम कहते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, ना कि फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते। तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर थर्ड। क्लियर है क्या? लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो देखना जरा के की बात करें तो वेव नंबर ये वैल्यू होती है हमारे पास 2π/λ, ये तो लैम्बडा पर डिपेंड करता है, ये तो नहीं है। ओमेगा की बात करें ये होता है हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2πf, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिखा जाए तो रिलेशन आता है सी इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब देखो सी तो कॉन्स्टेंट है, सी का लैम्बडा से कोई लेना देना नहीं है, सी कॉन्स्टेंट है, लाइट के लिए स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई लैम्बडा के, तो ओमेगा भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्बडा के, तो ये भी लैम्बडा पर डिपेंडेंट हुआ। के अपन ओमेगा की बात करें तो इससे अगर मैं निकालूं तो स्पीड ऑफ लाइट आएगी कोफिशियंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है तो ये लैम्बडा पर डिपेंड नहीं करेगी, तो इसका इन्वर्स भी डिपेंड नहीं करेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो अब ये के अपॉन ओमेगा करेक्ट है, तो के इनटू ओमेगा की बात करें तो के है हमारे पास 2π/λ, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करूं तो एफ, एफ की वैल्यू तुम लिख सकते हो सी अपॉन लैम्बडा, तो ये वाली टर्म भी लैम्बडा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रही है, तो ये भी लैम्बडा पर डिपेंड करेगी। केवल थर्ड जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का जो इन्वर्स है वो लैम्बडा पर डिपेंड नहीं करने वाला। क्लियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये हमारा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद है सबका अच्छे से गया होगा, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, आगे भी सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, सभी को गुड लक, थैंक यू।